नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेस्ट एंड इजी टू डू एक्सरसाइजेस फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो डायबिटिक पेशेंट्स में एक्सरसाइज बहुत फ़ायदा करती है, जैसे कि एक्सरसाइज की वजह से इंसुलिन है वो अच्छे से शुगर्स को मेटाबलाइज कराता है। उसके अलावा हार्ट की पंपिंग भी इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो भी इम्प्रूव होता है। लंग्स की फंक्शनिंग एक्सरसाइज से इम्प्रूव होती है, पेशेंट को नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस लेवल्स एक्सरसाइज से कम रहते हैं, और ये सब चीज़ें डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है वॉकिंग। रोज़ 30 मिनट से एक घंटा ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज़ कदमों से चलना पेशेंट को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कि जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो नियर नॉर्मल रेंज रहता है, पेशेंट का स्ट्रेस लेवल कम होता है, और अगर आप रोज़ सुबह वॉक पर जाने की आदत डालेंगे तो आपके फेफड़ों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, उन्हें रोज़ ताज़ी हवा मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी। इसके अलावा एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वॉकिंग का, वो ये है कि ये एकदम फ्री है। ना तो आपको किसी जिम की मेम्बरशिप की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो ये एक और फ़ायदा है इसका। सेकेंड एक्सरसाइज है गार्डनिंग। गार्डनिंग भी अगर आप पूरा इन्वॉल्व होकर करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छे टाइप की एक्सरसाइज है। गार्डनिंग में क्या है, आपको वॉक करना पड़ता है, आप बेंड करते हैं, नील करते हैं, कई बार आपको खड्डा खोदना पड़ता है, आप घास काटते हैं, या फिर कई बार आप गमला लिफ्ट करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत अच्छी टाइप की एरोबिक एक्टिविटीज़ है, या फिर ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है, तो ये भी एक अच्छे टाइप की एक्सरसाइज है गार्डनिंग। और गार्डनिंग से एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि पेड़ों के साथ रहने से जो आपका स्ट्रेस लेवल है ये भी बहुत कम हो जाता है, इसलिए गार्डनिंग को भी एक अच्छी एक्सरसाइज माना गया है। थर्ड है योगा एंड प्राणायाम। योगा और प्राणायाम, इससे भी आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है यानी कि मोटापा, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब कम होते हैं। और इसके अलावा योगा प्राणायाम से आपकी जो इम्यूनिटी है वो शरीर की बढ़ती है, आपके शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बैलेंसिंग इम्प्रूव करती है आपकी बॉडी की, और साथ में योगा प्राणायाम से आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि योगा एंड प्राणायाम हमेशा किसी वेल क्वालिफाइड योगा टीचर से सीख कर ही आपको करना चाहिए, वरना आपके शरीर को नुकसान भी पहुँच सकता है। फोर्थ, आपके जो घर की सीढ़ियाँ हैं उसमें ऊपर नीचे चढ़ना भी एक बहुत अच्छे टाइप की एक्सरसाइज है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने से भी जो हार्ट की पंपिंग है वो इम्प्रूव होती है, शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो ये भी एक अच्छे टाइप की एक्सरसाइज है। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिन डायबिटिक पेशेंट्स का वज़न ज़्यादा है या फिर जिनके घुटनों में या जोड़ों में परेशानी रहती है, उन पेशेंट्स को सीढ़ियों में ऊपर नीचे चढ़ना उन्हें अवॉइड करना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ जो एक्सरसाइज है वो है साइकिलिंग। और साइकिलिंग आजकल वैसे भी पब्लिक में बहुत इन है, बहुत फैशन में है, तो साइकिलिंग रोज़ 30 मिनट से एक घंटा करने पर आपके जो लंग्स हैं और आपके हर्ट है उसको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और साइकिलिंग की एक ख़ास बात ये है कि साइकिलिंग जो लोअर लिम्स के जॉइंट है उसे बहुत कम इम्पैक्ट करती है, तो जिसकी वजह से जो पेशेंट्स जिनके जॉइंट्स में माइनर प्रॉब्लम है, लोअर लिम के जॉइंट से माइनर प्रॉब्लम है, वो भी साइकिलिंग रोज़ कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, तो ये साइकिलिंग का एक फ़ायदा है। नेक्स्ट है डांसिंग। डांसिंग भी रोज़ 30 मिनट से एक घंटा करने पर जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल में आती है, और बाकी डांसिंग से आपके जो स्ट्रेस लेवल हैं वो भी बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा डांसिंग अगर आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे या अपने बच्चों के साथ करेंगे तो डांसिंग को आप डबल इन्जॉय कर सकते हैं, और अगर आपको डांसिंग नहीं आती है तो उसके लिए आप किसी अच्छे डांस क्लास को ज्वाइन करिए और नए पॉपुलर फॉर्म्स सीखिए, जैसे कि आजकल जुम्बा फैशन में है, ये आप सीखिए, इससे भी आपकी एरोबिक एक्टिविटी भी होगी और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, तो ये भी आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस में जो आपकी बॉडी की मसल्स है वो किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है। रेजिस्टेंस जैसे कि आपका खुद का बॉडी वेट, या फिर कोई इक्विपमेंट हो गया जैसे कि डंबल्स हो गए, या फिर रेजिस्टेंस बैंड, इसके अगेंस्ट आपकी जो बॉडी की मसल्स है वो काम करती है। तो इसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पुशअप्स करें, आप सिटअप्स करें, स्क्वाट्स करें, और अगर हो सके तो आप चिनअप्स भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे इक्विपमेंट्स के साथ कर सकते हैं जैसे कि डंबल्स हो गए, और इसके लिए आप जिम की मेंबरशिप्स भी दे सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए।
और पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस एक्सरसाइज के साथ कम से कम हफ्ते में दो बार आप एरोबिक एक्टिविटी भी करें, वो बहुत ज़रूरी है। एट्थ, आप रोज़ कोई टीम स्पोर्ट भी खेल सकते हैं। अगर आपको रोज़ एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है तो आप स्पोर्ट्स जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, इस टाइप के स्पोर्ट्स भी आप रोज़ खेल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पर आपको स्पोर्ट फाइनल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और अपनी एज को, अपने बॉडी वेट को, साथ में अगर आपके कोमोरबिडिटीज़ है, कुछ साथ में डायबिटीज़ के अलावा भी कोई डिज़ीज़ है, तो उसको ध्यान में रख के ही अपना स्पोर्ट फाइनल करें, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्विमिंग भी एक अच्छे टाइप की एक्सरसाइज है, और स्विमिंग की एक ख़ास बात ये है कि इसमें आपकी जो अपर लिम है और लोअर लिम है, ये साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होती है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज अच्छे से लूज़ कर सकते हैं। और इसका एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें आपके जो जॉइंट हैं वो बहुत कम इम्पैक्ट होते हैं। ये एक जॉइंट फ्रेंडली टाइप की एक्सरसाइज है, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्विमिंग ज्वाइन करें तो उसमें जो लाइफ गार्ड है स्विमिंग पूल का, उसको आप अपने डायबिटिक स्टेटस के बारे में हमेशा बता कर रखें, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ताई ची जैसे एडवांस जो एक्सरसाइज के फॉर्म्स हैं ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपकी जो स्ट्रेंथ है और कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। तो ये थे कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड नॉलेज, और बाकी हेल्दी रखिए, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।